उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जिले में 19 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रतापगढ़ के CMO अरविंद श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंडा इलाके के कैमा गांव में जिसान उर्फ बबलू नाम का युवक विगत 7 तारीख को रायबरेली से आया था, जिसके बाद युवक की जांच के लिए सैंपल भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब कोरोना पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव युवक रायबरेली में अपने बहनोई के साथ रहकर टेम्पो चलाता था। 7 तारीख को यह कुंडा आया था, जिसके बाद इसकी जांच कराई गई थी। CMO ने बताया कि युवक के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी भी जांच कराई जाएगी। वहीं पूरे गांव को सील कराने की कार्रवाई की जा रही है और युवक को आइसोलेट किया गया है। बता दें कि जनपद में अब 12 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि इनमें से 6 लोग कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं। ये कायमा गांव का कुंडा का एक लड़का जिशान करके है, सना पब्लू, 19 साल की उम्र है, ये पॉजिटिव पाया गया है। इसके बारे में पता चला है कि ये रायबरेली में या तो ट्रक ड्राइवरी करता था, या टेम्पो चलाता था, या खलासी था, मतलब ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है। हमारी मेडिकल की टीम वहाँ गई है और डिटेल में इसके कांटेक्ट, कहाँ रहता था, परिवार कितना, ये सब सर्च कर लेंगे।